गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एट क्लास हवा यू पीपल मार्क्स मिल गए सबको देखे आपने एस एस में कैसे मार्क्स हैं सबके हम्म बहुत अच्छे हैं बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने लगता है पढ़ाई नहीं करी थी है ना इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं हैं बाकी जनरली सबके मार्क्स अच्छे हैं पर बच्चों एक दो चीज़ मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी मैंने जब पेपर चेक किए हैं एक तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कितनी बार आंसर शीट आंसर फॉर्म सबमिट किया है बेटा चेक तो एक बार ही होगा आप चार बार सबमिट कर रहे हो चीज़ को हाँ एक ही बार चेक होगा ना पेपर तो और जो फर्स्ट टाइम सबमिट हुआ है पेपर वही चेक हुआ है आपने बाद में भले ही कुछ चेंजेस करके या जो भी है अगर आपने बाद में सबमिट भी किया है मैंने वो चेक नहीं किया है मुझे जो फर्स्ट टाइम पेपर मिला है वही चेक हुआ है फिर जो एक मिस्टेक कुछ बच्चों ने की है सम ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव डन दैट मिस्टेक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बच्चों चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स या चीफ फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन है ना यू हैड टू राइट टू चीफ फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन और जब मैंने नोट्स आपको भेजे थे आंसर्स भेजे थे तब मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक फीचर्स नहीं लिखकर क्या लिखा था मेरा पीडीएफ चेक करना मैंने वहाँ क्या लिखा था राइट द ऑल द हेडिंग्स ऑफ द चीफ फीचर्स समझ में आया इसका मतलब क्या था हाँ ज़्यादातर बच्चों ने सही लिखा है लेकिन कुछ बच्चों ने यही लाइन आंसर में लिख दी कमौन एट्थ क्लास इतनी इंग्लिश भी नहीं समझे हो रियली really डिस्गस्टिंग कुछ बच्चों ने यही लाइन आंसर में लिख दी राइट ऑल द हेडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यू वो चीफ फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आंसर हुआ आप एर्थ क्लास के स्टूडेंट हो आप ये आंसर लिख कर दोगे मुझे आ? ये बहुत गलत है बच्चों एर्ट्थ में हो थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो ज़्यादातर बच्चों ने सही लिखा है इसका आंसर पर मेरे पास ये भी आंसर आया है राइट ऑल द हेडिंग्स ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाँ कुछ बच्चों के कुछ आंसर्स गलत हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वाला भी आई डोंट नो आपने आंसर कहाँ से लिया जबकि मैंने रिटिन आंसर आपको पोस्ट किया है पी में भेजा था ना वाई डिड द ब्रिटिश दे प्रिजर्वड दोज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको आंसर भेजा था लेकिन मेरे पास कुछ बच्चों का गलत आंसर आया आई डोंट नो आपने कहाँ से लिया है नेट से लिया है या कहाँ से भी लिया है जबकि मैंने बुक में से आंसर दिया था तो आपको बुक का आंसर ही लिखना था आ? तो वो ये चीज़ ध्यान रखो बच्चों हम नेट के आंसर्स नहीं चाहिए मैं आपको आंसर भेज रही हूँ आप वही आंसर्स लिखोगे क्योंकि वो आंसर आपकी बुक में से हैं ठीक है ठीके? नहीं तो फिर अपने आप नोट्स बनाओगे सब मैं नहीं लिखूँगी आंसर्स सो so, इट्स बेटर जो आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं वो मैं बुक में से बनाकर भेज रही हूँ और आप वही आंसर लिखोगे ठीक है उन आंसर्स की आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो लेकिन आंसर वही होना चाहिए मीनिंग वही निकलना चाहिए जो मैंने आपको आंसर भेजा है मीनिंग्स सही होना चाहिए उसका ठीक the well है अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन दे हैव रिटन वेरी वेल आंसर्स अच्छे मार्क्स भी हैं ठीक है बच्चों बहुत अच्छा है ना इसी तरह से पढ़ाई करते रहो आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ योर मार्क्स वेरी गुड आगे हम और मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स क्योंकि अब जो हाफेलीज होंगे दे विल बी ऑफ 80 मार्क्स और उसमें आपके लेंदी आंसर्स भी आएंगे अभी तक तो शॉर्ट आंसर्स ही थे लेकिन अभी मैंने आपको लेंदी आंसर्स भी दिए लास्ट लेसन सेक्युलरिज्म का वो भी क्वेश्चन आंसर दे दिए राइट देम क्विकली इन योर कॉपीज एंड स्टार्ट लर्निंग बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम्स यू विल बी गेटिंग लेंदी आंसर्स तो वो लर्न करना शुरू करो ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे मार्क्स हैं मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स वेरी गुड ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज लेसन हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो ओपन सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पार क्या है लेसन का नाम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पार यहाँ कंपनी का मतलब है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है कौन सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हम सब जानते हैं यूरोपियंस इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए बिजनेस करने के लिए लेकिन धीरे धीरे ट्रेड में बढ़ते बढ़ते उन्होंने यहाँ की टेरिटरी यहाँ के लैंड को कॉन्कर करना शुरू कर दिया हुँ? तो ये सब कैसे हुआ सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन मर्चेंटलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स मर्चेंट बिजनेसमैन को कहते हैं तो बिजनेस से स्टार्ट हुआ फिर अलग अलग पार्ट्स के बीच में यूरोपियन पार्ट्स के बीच में ट्रेड वॉर्स हुए लेट्स सी व्हाट्स द लेसन इज मर्चेंटलिज्म इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कमर्शियलिज्म और गेटिंग प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज है ना इसको अंडरलाइन करके रखो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंटलिज्म है ना इट मीन्स कमर्शियलिज्म गेटिंग कमर्शियलिज्म और गेटिंग प्रॉफिट बाई ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज आज भी है ये तो बिजनेस बाय ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज इन द एंशियंट एंड मिडीवियल टाइम्स देवर थ्री इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप यूरोप और इंडिया ईस्ट और वेस्ट तीन ट्रेड रूट्स थे दोनों के बीच में बट इन द फिफ्टींथ सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ़ द विक्ट्री ऑफ द ओटोमैन एम्पायर ओवर एशिया ओटोमैन एम्पायर वॉज अ वेरी बिग एम्पायर इन यूरोप बहुत बड़ी एक एम्पायर थी ओटोमैन एम्पायर यूरोप की धीरे धीरे उसने एशिया पर भी कब्जा करना शुरू किया एशिया माइनर एंड कॉन्स्टेंटिनोपल नॉट एशिया बट एशिया माइनर एंड कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ग्रीस में है इन फोर्टीन फिफ्टी एडी है ना ये दोनों एरियाज ओटोमैन एम्पायर के कब्जे में आए ऑल द रूट्स वर ऑलमोस्ट अबेंडेंड इन्हीं रास्तों से होकर यूरोप से ट्रेडर्स आते थे ईस्ट में लेकिन जब ये एरियाज ओटोमैन एम्पायर के अंडर में आ गए तो उन्होंने उन ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया बाकी इन्हीं रूट से इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था इन एडिशन

वो नहीं चाहते थे वो सिर्फ वो अपना कब्जा रखना चाहते थे इन रूट्स पर दे देट द ट्रेडर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल शुड यूज दीज रूट बिकॉज दे वर इजी रूट्स दे हैड एस्टेब्लिश द मोनोपोली उन्होंने अपनी मोनोपोली कर रखी थी इन ट्रेड रूट्स पर ओवर द यूरोपियन एंड एशियन ट्रेड्स और वो नहीं चाहते थे कि स्पेन और पोर्चुगल के जो ट्रेडर्स हैं वो एशिया में स्पेशली इंडिया के साथ ट्रेड करें दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द प्रॉफिट्स में देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ता जाएगा प्रॉफिट शेयर कम होता जाएगा ना तो वेनिस और जिनेवा के ट्रेडर्स वॉन्टेड दैट ओनली दे शुड कंट्रोल द ट्रेड सो दैट दे कैन गेट ऑल द प्रॉफिट दस द ओल्ड ट्रेड रूट्स वर ब्लॉक्ड तो उन्होंने वो जो पुराने ट्रेड रूट्स थे उन्हें ब्लॉक कर दिया स्पेन और पोर्चुगल के ट्रेडर्स के लिए रास्ता बंद हो गया तो अब जब एक रास्ता बंद हो गया तो वी नीड टू फाइंड अनदर रूट्स ओके सो वॉट अट्रैक्टेड द यूरोपियन कंट्रीज टू इंडिया व्हाई दे वांटेड टू ट्रेड विथ इंडिया वैसे तो जनरली हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है बट्स लेट्स रीड वाई डिड यूरोपियन कंट्रीज वॉन्टेड टू ट्रेड विथ इंडिया देर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस सबसे पहले तो किसके लिए ट्रेड करना चाह रहे थे स्पाइसेस इंडिया के जो मसाले हैं वो बहुत फेमस बहुत पॉपुलर थे यूरोप में एज सच द ट्रेड इन स्पाइसेस ब्रॉड बिग प्रॉफ़िट्स हाँ क्योंकि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दे आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग स्पाइसेस और इंडिया तो फेमस फॉर स्पाइसी फूड तो इन स्पाइसिस की डिमांड बहुत थी यूरोप में इनफैक्ट यूरोपियंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन जब वहाँ बहुत स्नोफॉल होता है और बहुत ठंड होती है डिपेंडेंट मेनली ऑन मीट हाँ यूरोपियंस दे जनरली ईट मीट ड्यूरिंग विंटर सीजन विच कुड ओनली बी प्रिजर्व एंड इट्स टेस्ट इम्प्रूवड विद द यूज ऑफ स्पाइसिस ये स्पाइसिस डालकर वो लोग बनाते थे जिससे उन्हें बहुत अच्छा और विंटर्स में अच्छी वॉम्थ मिलती थी

है ना सोने के सिक्के एंड दे कुड फाइंड गोल्ड इन इंडिया इन सफिशियंट क्वान्टिटी इंडिया में तो गोल्ड की कोई कमी कभी रही नहीं है सो दे वॉन्टेड टू ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट इज फॉर इंडियन स्पाइसेस एंड सेकेंड फॉर गोल्ड राइट हेंस द डिफरेंट यूरोपियन पार्ट्स मेड द बेस्ट एफर्ट्स टू फाइंड आउट अ न्यू ट्रेड रूट टू इंडिया सो वैन ओटोमैन एम्पायर ब्लॉक्ड द जब पुराने रास्ते बंद कर दिए गए तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे यूरोपियन पार्ट्स के ट्रेडर्स थे दे वांटेड टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स टू इंडिया नए रूट्स खोजना शुरू किया सबसे पहले किसने एफर्ट किया है हम सब ने नाम सुना है कॉलम्बस है ना वो स्टार्ट हुआ टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट टू इंडिया कोलम्बस हु सेल्ड टू डिस्कवर इंडिया बट एक्सीडेंटली कहाँ पहुँच गया इनस्टिड डिस्कवर्ड अमेरिका इंडिया पहुंचने की जगह वो कहाँ पहुंच गया अमेरिका इन 1492 एडी, सो अमेरिका वॉज फाउंड इन 1492 एडी। टू अल्टीमेटली और भी बहुत सारे सेलर्स थे फ्रॉम स्पेन फ्रॉम पोर्चुगल है so, ना दे ट्राई टू फाइंड आउट ट्रेड रूट सी रूट्स टू इंडिया एंड अल्टीमेटली वास्को डगामा। है ना सबने नाम वास्कोडगामा हु सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग इंडिया इन फोर्टीन नाइनटी एट एटी कौन से ईयर में रूट फाइंड किया उसने कोलम्बस आई एम सॉरी वास्को डगामा कौन से ईयर में इंडिया पहुंचा 1498 नाइन्टी एट ही रीच्ड कैलिकट कौन से पोर्ट पर पहुंचा वो कैलिकट इन साउथ इंडिया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर कैलिकट इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंड अराउंड एफ्रीका वर्ल्ड मैप देखा है ना एफ्रीका वो पूरा रूट कवर करता हुआ लंबा चक्कर लगाता हुआ रीच्ड कैलिकट इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सो अड रूट वॉज फाउंड फॉर फ्रॉम इंडिया नाउ स्टार्टेड द ट्रेड वॉर्स और अब क्या शुरू हो गए ट्रेड वॉर्स

उनके बीच में वॉर्स दुश्मनी भी हो गई क्योंकि सब इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे विच वॉज ऑफन कॉल्ड ट्रेड वॉर्स और जो ये वॉर्स हुए इन वेरियस यूरोपियन पार्ट्स के बीच में दे व कॉल्ड एज ट्रेड वॉर्स नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द ट्रेड एडवेंचर्स ऑफ दीज पार्ट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द सो कॉल्ड ट्रेड वॉर्स सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस पार्ट्स दैट केम टू इंडिया वो कौन कौन से पार्स हैं जो इंडिया आए हाँ ट्रेड करने के लिए और उनके बीच में ट्रेड वॉर्स हुए ट्रेड बाय द पोर्चुगीज़ इन इंडिया सबसे पहले कौन आए पोर्चुगीज़. द पॉर्चुगीज इम्प्रेस्ड द लोकल रूलर किंग जेमोरिन ना वो जो वहाँ के लोकल किंग थे जो इंडिया पहुंचे पोर्चुगीज़ तो जो लोकल किंग थे जेमोरिन उन्हें इम्प्रेस किया एंड ओप्टेंड परमिशन फ्रॉम हिम टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्रीज एट कैलिकट कोचीन कैनूर। इन तीन जगह पर पोर्चुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुँ? ताकि वो अपने कंट्री के साथ ट्रेड कर सकें द फर्स्ट पॉर्चुगीज़ वॉयसरॉय अल्मेडा टुक द आइलैंड ऑफ ड्यू उन्होंने धीरे धीरे जो आइलैंड है दीव का दमन एन दीव वाला दीव इन हिज पोजेशन इन 1509 जीरो और फिर जो गवर्नर थे वाइस रॉय थे पोर्चुगीज़ के अल्मेडा उन्होंने कैप्चर कर लिया द आइलैंड ऑफ दीव एंड द नेक्स्ट वॉइस रॉय एल्बकर्क वन गोवा इन 1510 टेन अब सिर्फ ये ट्रेड नहीं कर रहे थे ये धीरे धीरे टेरिटरी भी कैप्चर कर रहे थे देखो सबसे पहले अल्मेडा ने क्या कैप्चर किया दीव इन फिफ्टीन नाइन और जो नेक्स्ट वॉयस रॉय थे एल्बरक उन्होंने कैप्चर किया गोवा को फिफ्टीन टेन में लेटर ऑन द पोर्चुगीज़ आल्सो टुक बसीन एंड दमन ये दोनों भी कैप्चर कर लिए पोर्चुगीज़ ने सून दे कैप्चर्ड कैलिकट आल्सो तो देखो धीरे 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 क्योंकि यूरोपियंस के पास अच्छे वेपन्स थे ट्रेन्ड सोल्जर्स भी थे तो धीरे धीरे इन्होंने इंडियन टेरिटरी को कांकर करना शुरू किया एंड दे कैप्चर्ड कैलिकट ऑल्सो दे ऑल्सो एस्टैब्लिश द कॉलोनीज एट प्लेसेज लाइक हुगली एंड चिट्टाव इन दिस वे द पोर्चुगीज़ एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली इन द ईस्टर्न ट्रेड फॉर वन सेंचुरी धीरे सबसे पहले पोर्चुगीज ने इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया और धीरे धीरे ट्रेड पर और टेरिटरी पर भी अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया बट आफ्टर दिस है ना नियरली हंड्रेड ईयर्स उन्होंने इतना किया बट आफ्टर दिस दे वॉज अ कॉन्स्टेंट डिक्लाइन धीरे धीरे उनका पार कम होता गया इन द ट्रेड ड्यू टू वेरियस कॉजेस तो वो कॉजेज हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट नियरली फॉर हंड्रेड ईयर्स पोर्चुगीज व डूइंग टू मच ट्रेड विथ इंडिया दे ऑल्सो कैप्चर्ड फ्यू टेरिटरीज राइट नेक्स्ट पार जो इंडिया में आया दे व द डच द डच एंड दे ट्रेड इन इंडिया द डच इस्टेब्लिश्ड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इन सिक्सटीन जीरो टू एटी हाँ और देखो पॉर्चुगीज कब आए थे उन्होंने कैप्चर किया था पॉर्चुगीज आए थे फोर्टीन नाइन्टी एट में और जो नेक्स्ट पार इंडिया में आया डच दे व सिक्सटीन जीरो टू द मेन पर्पज ऑफ दिस कंपनी उन्होंने जो डस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई द मेन पर्पज ऑफ दिस कंपनी वॉज टू हैव अ ल्यूक्रेटिव ट्रेड ल्यूक्रेटिव मीन्स बहुत फायदे वाला प्रॉफिटेबल वॉट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूक्रेटिव प्रॉफिटेबल ट्रेड इन स्पाइसिस इन इंडिया ये भी देखो स्पाइसिस के लिए ही आए हैं एंड द ईस्ट दे एस्टैब्लिश द बिजनेस सेंटर्स इन इंडिया एट चिंसूरा यहाँ इन्होंने अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए चिंसूरा सूरत पटना कोचीन एंड नागापट्टम ये एरियाज थे डच के ट्रेडिंग सेंटर्स बट दे देवर अप्रूटेड फ्रॉम इंडिया लेकिन उन्हें जल्दी ही किसने भगा दिया ब्रिटिश इन 1759 फिफ्टी दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड दे हैव टू लीव द कंट्री बिसाइड्स दिस दे एग्जिबिटेड मोर इंटरेस्ट इन द ईस्ट इंडीज उन्हें इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था डच को वो ईस्ट इंडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एज कम्पेयर टू इंडिया इन द ईस्ट इंडीज़ दे फेस द पोर्चुगीज एंड फोर्स दैम टू लीव दोज आइलैंड तो इंडिया पर तो पोर्चुगीज का ट्रेड था और ईस्ट इंडीज़ पर डच ने अपना ट्रेड सेटअप किया दे व दे नाउ सेटल्ड दे तो पोर्चुगीज व डूइंग ट्रेड विथ इंडिया एंड द डच वर डूइंग ट्रेड इन ईस्ट इंडीज ठीक है देन द ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया अब कौन आए इंडिया में द ब्रिटिश द इंग्लिश इन ऑर्डर टू हैव द ट्रेड डीलिंग्स विथ इन इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिक्सटीन हंड्रेड एटी अब ब्रिटिशर्स ने भी क्या बनाई अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिक्सटीन हंड्रेड एटी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन आया इंडिया हॉकिस सॉट द परमिशन टू इस्टेब्लिश अ ट्रेड सेंटर एट सूरत सबसे पहले सूरत में पहुँचे ब्रिटिश और वहाँ उन्होंने परमिशन ली टू इस्टेब्लिश अ ट्रेड सेंटर सर थॉमस रो हु वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश और इंडिया में सबसे पहले कौन आए सर थॉमस रॉ शॉट द परमिशन ऑफ जहांगीर देखो मुगल एम्प्रर जहांगीर के टाइम पर आए थे सर थॉमस रो तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली टू एस्टैब्लिश द बिजनेस सेंटर एट अहमदाबाद भरूच एंड आगरा जहांगीर से परमिशन लेकर यहाँ पर सेंटर्स खोले इन एटी सिक्सटीन थर्टी नाइन द इंग्लिश लेड द फाउंडेशन ऑफ मद्रास सिटी बनाई उन्होंने जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं एट द टाइम इट वॉज नोन एज मद्रास कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट विच वॉज नेम्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज आज भी है बच्चों चेन्नई मद्रास सिटी स्टेब्लिश करी उन्होंने और वहां पर अपने लिए एक फोर्ट बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज देन किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड इन सिक्सटीन सिक्सटी एट रेंटेड बॉम्बे टू द कंपनी देखो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी उन वो ट्रेड कर रही है इंडिया के साथ फिर जब ये जो इंग्लैंड के किंग थे किंग चार्ल्स सेकंड इनकी शादी हुई पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से अब बॉम्बे जो था वो अभी पोर्चुगीज़ के अंडर में था बट वैन पॉर्चुगीज प्रिंसेस वॉज मैरिड टू इंग्लैंड किंग चार्ल्स सेकेंड एज अ दाउरी समझते हो बच्चों वॉट इज दाउरी दहेज के रूप में बॉम्बे वॉज गिवन टू इंग्लैंड ये हम आपको दहेज में दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स थे सूरत में लेकिन जब बॉम्बे एज अ दाउरी इंग्लैंड के किंग को मिला सो किंग चार्ल्स सेकेंड इन 1668 सिक्सटी एट रेंटेड बॉम्बे टू द कंपनी उन्होंने बॉम्बे दिया कंपनी को किराए पर कि यहाँ से तुम ट्रेड करो है ना देखो क्या था देखो उसका किराया क्या था टेन डॉलर आई एम सॉरी पाउंड हाँ डॉलर तो यू एस का है दिस इज पाउंड पर एन एम टेन पाउंड पर एन एम किराया लेते थे वॉज रेंट एंड बॉम्बे वॉज गिविन टू ईस्ट इंडिया कंपनी ही गॉट बॉम्बे दैट इज नाउ मुंबई एज दाउरी वैन ही मैरिड प्रिंसेस कैथरीन अ पोर्चुगीज प्रिंसे उन्हें दहेज में मिला था औरंगजेब अलाउड द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश द ट्रेड सेंटर इन बेंगॉल नेक्स्ट मुगल एम्पर उन्होंने अलाउ किया फिर द फाउंडेशन ऑफ कैलकटा फिर वहाँ एक नई सिटी बंगाल में जब उन्हें ट्रेड के पावर मिल गया दे इस्टेब्लिश्ड अ न्यू सिटी कैलकाटा नाव नोन एज कोलकाता वॉज लेड इन सिक्सटीन नाइन्टी तो पहले मद्रास एंड नाव कैलकाटा अ फोर्ट वॉज बिल्ट वहाँ भी एक फोर्ट बनाया विच इज़ नोन एज फोर्ट विलियम तो मद्रास में फोन फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन 1717 सेवनटीन द मुगल एम्प्रर जो नेक्स्ट मुगल एम्प्रेर थे फरुख ही अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड ड्यूटी फ्री हाँ कोई टैक्स नहीं लेते थे उनसे इन बिहार बंगाल एंड उड़ीसा हाँ चाहे जितना ट्रेड करो लेकिन बदले में उन्हें मुगल एम्प्रयर को कितने पैसे देने पड़ते थे रूप इन रिटर्न ऑफ वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन ल्यू इन रिटर्न ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड पर एनम ये वो मुगल एम्प्रर को देते थे थ्री थाउजेंड और ट्रेड करते थे इन बिहार बंगाल एंड उड़ीसा तो देखो धीरे धीरे ट्रेड इंक्रीज हो रहा है ना दिस कंसोलिडेटेड द पोजिशन ऑफ द इंग्लिश बहुत सारे एरिया उनके अंडर में आ गया एंड दे वर सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट फर्स्ट फिर तो उन्होंने पहले तो पोर्चुगीज को भगाया और फिर डच को

फ्रेंच ने ये एरियाज़ काउंट करके अब देखो नीचे आपके मैप दे रखा है ऑल दीज एरियाज़ आर मार्क्ट दू यू कैन सी मसूलीप्टनम द एंड पौंडीचेरी वो दे रखा है ईस्टर्न कोस्ट पे देखो लेटर ऑन दे एस्टैब्लिश द फैक्ट्रीज एज चंद्रनगर कासिम बाज़ार बालासोर माहे एंड कराईकल हाँ ये सब इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में फ्रेंच ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द कन्फ्रंटेशन विद द इंग्लिश बिकेम इनएविटेबल वे अब धीरे धीरे इंग्लिश भी अपना पार बढ़ा रहे हैं और फ्रेंच भी अपना पार बढ़ा रहे हैं तो दोनों के बीच में लड़ाई तो होनी ही थी और इन द एंड द इंग्लिश वर हावेवर सक्सेसफुल तो इंग्लिश सक्सेसफुल रहे फर्स्ट दे डिफीटेड पोर्चुगीज देन दे थ्रू आउट डच फ्राम द कंट्री इंडिया एंड लास्ट फ्रेंच और अब इंडिया पर कौन सी सिर्फ कौन सी कंपनी ट्रेड करेगी इंडिया के साथ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आज हमने मैंने थोड़ा सा लॉन्ग लेसन इसी लिए लिया बलिया बच्चों कि हमने आज पढ़ा कौन कौन से वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया में आए जब पुराने ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो गए दे फाउंडेड द न्यू ट्रेड रूट्स स्पेशली किसके लिए आए स्पाइसेस एंड गोल्ड